एक बहुत ही टॉपिक दैर इज दर्टिस्ट ऑफ इंडिया सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया क्योंकि देर आर सो मैनी पीपल जो कि अपने यू नो स्किल्स जो है उनके अंदर दैट कुड बी स्कलपचर के फॉर्म में देखिए दैट कुड बी इन दम ऑफ अ पेंटिंग या कोई ड्रॉइंग सो ऑल दीज थिंग्स यू नो जो भी हम जिनको पेंटर कह देते हैं अवेरी गुड वर्डर्स एंड आर्टिस्ट तो इसी तरीके से इंडिया में देर हैव बीन सो मेनी पीपल जिनके आर्ट वर्क जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं एंड देर आर सर्टेन क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं अबाउट सम ऑफ़ दी आर्टिस्ट सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही कुछ इंडिया के फेमस आर्टिस्ट के बारे में जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो इन टू वीडियो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द वेरी वेरी फर्स्ट आर्टिस्ट एंड वो हैं अमृता शेरगिल नाउ शी इज द वन जिनके बारे में हम बात करें हैं एंड शी इज अ वेरी वेरी ग्रेट आर्टिस्ट मतलब जितने हम पढ़ने वाले हैं दे ऑल आर वेल नोन फॉर दे आर्ट फॉर्म्स एंड अमृता शेरगिल के बारे में वन थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट ह इज दैट कि इनकी एक पेंटिंग है दैट वॉज वेरी फेमस और अभी हम लेटर बात भी करेंगे सो लेट्स जस्ट डिस्कस दी फैक्ट्स फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दी अदर थिंग्स एंड ऑल्सो बीइंग अ वुमेन इन दैट टाइम लाइक ट्वेंटी सेंचुरी की बात हो रही शायद येस yes, ट्वेंटी एथ सेंचुरी तब के टाइम पे शी वॉज वेल नोन एज एन आर्टिस्ट क्लियर सो ये भी बहुत बड़ी बात है सो अमृता शेरगिल वॉज अ हंगेरियन इंडियन

इनोवेटिव वीमन आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज शी वॉज वेरी क्रिएटिव इन वॉट एवर आर्ट शी यू नो मेड एंड ऑल्सो शी वॉज नोन एज लाइक दी पाइनियर इन मॉडर्न इंडियन आर्ट सो सी कुछ टाइम्स है ना देर वर लाइक कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म्स जो कि ऑब्वियसली इन डिटेल हम नहीं जानते हैं बट ऐसे बहुत से आर्ट फॉर्म्स थे देवर लाइक ट्रेडिशनल ठीक है बट देन शी ऑल्सो वॉज एन आर्टिस्ट बट वो थोड़ा ऐसे मॉडर्न फॉर्म का टच लेकर आती थी अपनी पेंटिंग्स में अपने आर्ट फॉर्म्स मेंज अ पाइनियर इन मॉडर्न इंडियन आर्ट शी वॉज बॉर्न टू अ प पंजाबी फादर एंड अ हंगेरियन मदर सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इनके पेरेंट्स में से वन वॉज फ्राम हंगरी वन वॉज फ्राम इंडिया एंड वो कौन कौन है रिस्पेक्टिवली वी हैव टू टॉक अबाउट इनके जो पापा हैं ही वॉज एन इंडियन वो एक पंजाबी थे एंड हर मॉम वॉज एन हंगेरियन क्लियर शी इज समाइम्स नोन एज इंडिया फ्रीडा कहलो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज एक मैक्सिकन पेंटर हैं जिनका नाम है फ्रीडा कहलो एंड हर पेंटिंग्स आर ऑब्वियसली वेल नोन ठीक है और इंडिया में किसको कहा जाता है फ्रीडा केहलो नन अदर देन अमृता शेरगिल सो शी इज आल्सो सम टाइम्स रेफर टू एज इंडियाज फ्रीडा केहलो क्लियर हर पेंटिंग्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस अमंग ऑल द विमेन इंडियन पेंटर्स एंड जितने भी इंडियन पेंटर्स रहे हैं उस वक्त की बात हो रही है दैट टाइम हर पेंटिंग्स वर वेरी एक्सपेंसिव सो बहुत महंगी थी क्या अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स क्लियर ओके

ऑयल पेंटिंग थी एंड दिस पेंटिंग वॉज लाइक जो गर्ल्स हैं दे आर पेंटिंग ऐसा कुछ करके पेंटिंग बनी हुई थी एंड दिस वॉज समथिंग जो कि फेमस हुई थी वैन अमृता शेरगिल वॉज ऑफ नाइनटीन ईयर्स ओनली क्लियर सो तब से फिर इनका जो काम है वो जाना जाने लगा बिकॉज शी मेड अ वेरी नाइस पेंटिंग उस वक्त के हिसाब से विच वॉज एन ऑयल पेंटिंग टाइटल क्या था यंग गर्ल्स क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड आर्टिस्ट ऑफ इंडिया की जो कि है जामिनी रॉय क्लियर जामिनी रॉय भी एक इंडियन पेंटर रहे हैं यू कैन सी ही इज द वन जिनकी हम बात कर रहे हैं सो जामिनी रॉय अगेन इज द नेक्स्ट इंडियन पेंटर इन 1903 ही ज्वाइंट द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट इन कैलकाटा अभी ना हम जितने भी आर्टिस्ट पढ़ेंगे लाइक like, ऑलमोस्ट सभी के सब तो नहीं मोस्ट ऑफ देम हैव बीन टू दिस गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट इन कैलकटा ठीक है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है आर्ट में एंड दे है नाथ टेगोर हम बात भी करेंगे यहाँ पे भी हम बात करें आगे जाके भी हम बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट की जब बातें करेंगे उसमें हम अबिंद्र नाथ टेगोर जी का नाम सुनने वाले हैं सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर वेरी वेरी कॉमन अमंग ऑलमोस्ट All the artists, Almost बोला है, not everybody. और ये दो चीजें हैं जो अगर आप ऐसे अलग से फिल्टर करके पढ़ लेते हो then definitely आपको बहुत मदद हो जाएगी सो so, सबसे पहली बात जामिनी रॉय जो है 1903 में इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट जो है जो कैलकटा में है उसको ज्वाइन किया था वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टूडेंट ऑफ अबिंद्राथ टेगोर अविंद्रनाथ टेगोर के जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फेमस क्योंकि ऑब्वियसली दिस स्कूल इज समथिंग जो कि बहुत अच्छे से आर्ट फॉर्म में शिक्षा देता है इट पीपल एंड ऑन अदर हैंड अबिंद्राथ टेगोर जो है maybe was a brilliant teacher because इनके जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फेमस अभी आपको प्रूफ भी मिल जाएगा जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे स्लाइड में सो दैट इज हाउ ये आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ दी मोस्ट फेमस स्टूडेंट अबिंद्रनाथ टेगोर के जो रहे हैं वो जामिनी रॉय हैं क्लियर ओके जामिनी रॉय वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय कालीघाट पट जिसे कहते हैं कालीघाट पेंटिंग विच वॉज अ स्टाइल ऑफ आर्ट विथ बोल्ड स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिस्ट हैं ये अपनी एक टाइप के पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं और वो है काली घाट पेंटिंग है, जिसे काली घाट पट कहते हैं ठीक है और ये पेंटिंग कैसे होती है एक तरीके का आर्ट है जिसमें देर आर बोल्ड स्वीपिंग्स और ब्रश ब्रश स्ट्रोक्स तो जो होता है पेंट ब्रश उसके स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा बोल्ड स्वीपिंग है दैट इज इज हाउ द पेंटिंग मेड सेव वी विल नॉट गो डीपर इन दिस बिकॉज हम आई डोंट बिलोंग टू दिस फील्ड है ना पेंटिंग वगैरह एंड इतना ज्यादा हमको पूछा भी नहीं जाता बताओ उसको कैसे पेंट करते हैं बट डेफिनेटली

In 1954, Government of India awarded him

His paintings were put on exhibition for the first time in the British India Street of Calcutta in 1938. अब British Indian British Street है Calcutta में ठीक है वहाँ पर it's very big thing अगर किसी का exhibition लगता है तो and इनका पहला exhibition था in 1938, which is again a big thing. तो सारे proof आपको पता चल रहे हैं कि why we have included his name in this particular video, because definitely he deserves it. Clear? Okay.

डेफिनेटली आप एक बार पढ़ लीजिए डोंट हैव टू एज ए रट्टाफाइड बट डेफिनेटली सिर्फ ये नाम इसीलिए बोल सकते हैं कि ऐसे बिल्कुल एक स्पेसिफिक नाम इसलिए दिया हुआ है बिकॉज आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं सो दे आर वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग कौन सा कलर है ठीक है सो इंडियन रेड येलो ओ खरे कैडम ग्रीन वो मिलियॉन ग्रे ब्लू एंड व्हाइट वर द सेवन कलर्स जिनके बारे में बिलीव किया जाता है द जामिनी रॉय यूज टू यूज दम नॉट ओनली लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हिस पेंटिंग्स वर ऑफ दीज कल क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं कालीपड़ा घोषाल नाउ ही इज दी नेक्स्ट आर्टिस्ट जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं सो ही इज एन आर्टिस्ट फ्रॉम क्यालकाटा मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम क्यालकटा नाम पड़ेंगे ना भी आप आपको ये लगेगा कि अच्छा ठीक है मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू दैट प्लेस ओनली बट ये आपके लिए अच्छा है बिकॉज फिर आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा राइट right? सो so, काली पड़ा घोषाल इज एन आर्टिस्ट फ्रॉम क्यालकाटा ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नेक्स्ट

अभी क्लास एट्स के हिसाब से बट ऐसे छोटे मोटे नाम अगर आपको आ जाते बीच बीच में लाइक यू नो एक या दो नाम नो प्रॉब्लम ठीक है याद रखना रखो नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है बट एटलीस्ट ये याद रखो कि इनकी कौन सी पेंटिंग है जिसको गोल्ड मेडल मिला था सो द पेंटिंग नेम इज़ हरा पार्वती कहाँ मिला था इफ यू वॉन्ट यू कैन रिमेम्बर एट्सवदेशी मेला एग्जीबिशन जो कि कोलकाता में हुआ था इन विच ईयर नाइनटीन सो अभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है द पेंटिंग्स नेम ठीक है हरा पार्वती

नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मुकुल चंद्र दे सो दिस इज द पर्सन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ सो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ रबींद्र नाथ टेगोर्स शांति निकेतन एंड इज कंसिडर्ड एज अ पाइनियर ऑफ ड्राई पॉइंट एचिंग इन इंडिया दिस इज अ काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म ठीक है ड्राई पॉइंट एचिंग एक तरीका है एक डिफरेंट स्टाइल है ऑफ पेंटिंग और उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे मुकुल चंद्र दे

कैलकटा इन नाइनटीन ट्वेंटी एट सो दिस इज समथिंग जो अभी इतनी देर हम पढ़ी रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट जो है कैलकाटा का वहाँ के जो पहले इंडियन प्रिंसिपल रहे हैं वो मुकुल चंद्र दे थे सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा यू uh, नो you know, बोल सकते हैं इनका आर्ट फॉर्म रहा होगा हाउ ग्रेट एज एन आर्टिस्ट ही वॉज क्लियर ओके

Chandra and he was well known for it. So he did draw the portraits, but not like MI, like they were of some value. Clear? Okay. Next, baat karte hai, Manishi Dey. this is the person that we are going to talk about now. Manishi De was an Indian painter. ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट अगैन यू है इंडियन पेंटर है मनीष देव वॉज ब्रादर ऑफ मुकुलरिंग इंडियन आर्टिस्ट मुकुल देव ही बहुत बड़े फेमस और इनके छोटे भाई थे कौन मनीषी दे क्लियर सो इनकी फैमिली में आई गेस आर्टिस्ट जो है बहुत सारे रहे हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेल नोन भले ही वो मनीषी दे हो भले ही वो मुकुल दे हों क्लियर सो ही वॉज हु

आर्ट फॉर्म्स इन्होंने बनाए हैं दे हैव बीन एक्जिबिटेड इन वेरी वेरी वेल नोन म्यूजियम्स एंड गैलरीज उनमें से एक है एन जी एम ए फुल फॉर्म अगर चाहे तो याद रख सकते हैं दिस कैन बी लाइक अदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो कि है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहा है ये मुंबई में है एंड अदर गेट टू नो स्टेट ललित कला जो है वो लखनऊ की अकेडमी है देन यू हैव डेली आर्ट गैलरी इलाहाबाद म्यूजियम और इन सब जगहों पे इनके आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो डिस्प्ले किए जा चुके हैं एग्जीबिशन लग चुका है क्लियर ओके okay. नेक्स्ट बात करते हैं नंदलाल

अविंद्राथ टेगौर के थे ये स्टूडेंट मोस्ट ऑफ अभी आगे भी पढ़ेंगे बहुत ऐसे लोग हैं जो अबिंद्राथ टेगौर के स्टूडेंट रहे हैं एंड दे आर ग्रेट ऑबियसली पढ़ रहे हैं नंदलाल बोस वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अबिंद्राथ

Only इस वीडियो के लिए मतलब इस टॉपिक के लिए बट ऑल्सो जो अवार्ड्स पड़े थे उसके लिए ठीक है तो ये छोटे मोटे जो प्रैक्टिस uh, है वो यहां पे भी हो रही है आपकी नेक्स्ट बात करते हैं राजा रवि वर्मा आर्टिस्ट इन द लिस्ट सो राजा रवि वर्मा वॉज एन इंडियन पेंटर एंड आर्टिस्ट एंड ही इज कंसिडर्ड अमंगस इन दिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट तो ये भी वन ऑफ देल नोन इंडियन पेंटर आर्टिस्ट रहे हैं और ये पूरे इंडिया में एक यू नो एक हिस्ट्री जो आती है ना इंडिया की लाइक इंडियन आर्ट की अगर हिस्ट्री पढ़ोगे इनका नाम जरूर आएगा बिकॉज इस पेंटिंग्स व कंसिडर्ड लाइक डिफरेंट एंड बोल सकते हैं डिजर्वे मोस्ट ऑफ इस पेंटिंग्स रिवॉल्व मेनली अराउंड पुरान्स एंड द ग्रेट इंडियन एपिक्स तो जितने भी पुरान हैं सीक्रेट स्क्रिप्चर्स हैं उन्हीं के अराउंड इनकी पेंटिंग्स रिवॉल्व करती थी लाइक like उनसे उनकी पेंटिंग्स इंस्पायर थी सो यूज टू ड्रॉ सर्टिंग थिंग्स जो कि ऑलमोस्ट प्रांस और जो इंडियन एपिक्स रहे हैं माइथोलॉजी रिलेटेड स्क्रिप्चर्स रहे हैं उन सब से उन सब पे बेस्ड ही इनकी पेंटिंग्स बनती थी राजा रवि वर्मा वन द गवर्नर्स गोल्ड मेडल इन एटीन फॉर द पेंटिंग नायर लेडी अडोनिंग हर है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा जी की जो पेंटिंग थी वो थी नायर लेडी अडोनिंग हर है तो ये भी पूछा जा सकता है भाई ये पेंटिंग किसने बनाई है राजा रवि वर्मा राजा रवि वर्मा की इनमें से कौन सी पेंटिंग है या नहीं है तो एक नाम तो एटलीस्ट आपको पता है है ना दूसरी बात इस पेंटिंग के लिए गवर्नर ने इनको गोल्ड मेडल से यू नो ऑनर किया था इन विच यर इन एटीन सो दिस इज ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि किससे गोल्ड मेडल दिया गया था फॉर विच पेंटिंग नायर लेडी अडोनिंग हर है नेक्स्ट बात करते हैं एस जी ठाकुर सिंह ही वॉज एन इंडियन आर्टिस्ट ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है वो सभी में क्लियर है बिकॉज वी आर ओनली डिस्कसिंग द आर्टिस्ट ऑफ इंडिया नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट सो एस जी ठाकुर सिंह भी एक इंडियन आर्टिस्ट रहे हैं ही पेंटेड इन ऑयल्स पेस्टल्स एंड वाटर कलर तो ये डिफरेंट डिफरेंट uh, जो कलर्स होते हैं उन सबको यूज किया इन्होंने वो ऑयल पेंटिंग हो पैस्टल कलर हो वो वॉटर कलर हो यूज टू ड्रॉ विद ऑल ऑफ दीज इन नाइन सेवनटीन एस जी ठाकुर वॉज एटीन ईयर ओल्ड ही वॉज अवार्डेड कैश प्राइस ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड एट एन एग्जीबिशन शिमला ऐसा कुछ हुआ था इनको ना इतनी एजुकेशन मिल नहीं पाई थी बिकॉज ही वॉज नॉट फाइनेंशियली दैट गुड बट इनका आर्ट वर्क किसी ने देख लिया था और उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि आप अपना एग्जीबिशन में यू you नो know, इसको डिस्प्ले क्यों नहीं करते हो एंड वेन ही डिड दैट इनको उस टाइम पे पाँच सौ रुपये का कैश प्राइज मिला था जो बहुत बड़ी बात है ठीक है सो ही वॉज अवार्डेड विथ रुपीज फाइव हंड्रेड एग्जीबिशन में एंड तब इनकी एज क्या थी ओनली एटीन ईयर्स क्लियर ओके मोहम्मद आलम द फॉर्मर टीचर ऑफ एस जी ठाकुर वर्स वेर हिम टू कम टू मुंबई वे ही हैज सिक्योर्ड अ जॉब एज अ सीन पेंटर इन अ मुंबई थियर तो ये जो है इनके एक किसी टीचर थे इनके ठीक है इनके पुराने टीचर रहे हैं और नाम था उनका मोहम्मद आलम उन्होंने इनको बोला कि वाई डोंट यू यू नो कम टू मुंबई तो मुंबई आ जाओ बिकॉज ही कुड सी दैट पोटेंशियल इन में एंड देन ही डिड द सेम थिंग वो गए और वहां पर इनको जॉब मिल गई थी मुंबई थिएटर में एज अ सीन पेंटर ठीक है बिकॉज यू नीड नो द पेंटिंग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट सीन्स तो उसके लिए ही वॉज अपॉइंटेड या ही गिवन द जॉब एंड दैट इज हाउ इनकी जो लाइफ है दैट बिगेन बट जब जैसे इनको फाइव हंड्रेड रुपीज का प्राइज मिला था ना तभी से यू नो लोग जानने लगे थे कि यस ही इज समान

नेक्स्ट बात करते हैं शिल्पी की शिल्पी नाम हमने इसलिए रखा है यहाँ पर बिकॉज इस नाम से ये ज्यादा फेमस है ओरिजिनल नेम जो है इनका वो है पी एम श्रीनिवासन और इनका नाम रख दिया गया था शिल्पी अगर आपको पता हो शिल्प वर्ड कभी हिंदी में सुना हो आपने स्कल्पचर से रिलेटेड होता है तो उसी पे बेस्ड इनका नाम शिल्पी रख दिया गया था वॉज एन आर्टिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे ही वॉज इ नोन इन पेन एंड इंक ड्राॅइंग तो इनकी जो पेंटिंग्स हैं पेन नहीं पेन तो इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो पेन और इंक वाला जो कैटेगरी uh, होता है उसके लिए फेमस थी सो हिज पेंटिंग्स वर वेरी वेरी वेल नोन बट किस फॉर्म में लाइक पेन एंड इंक ड्राॅइंग श्रीनिवासन स्टडीड आर्ट एट मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट और वहाँ पर ही इन्होंने आर्ट पेंटिंग ये सब कुछ सीखा था लेटर ही स्टार्टिंग इन द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स चेन्नई एंड देन उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो चेन्नई के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से की है श्रीनिवासन वॉज मेंटेड बाय मैगजीन सीनियर आर्टिस्ट माली तो इनको ना ही टू राइट एंड मेक पेंटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मैगजीन और उस मैगजीन के जो मैंटोर थे

आनंद विकातन अंडर द टाइटल थिंटू सेलवंगल जिसका मतलब है ट्रेजर्स ऑफ साउथ इंडिया तो ये जो पूरा ड्यूरेशन रहा है इस दौरान इनकी जितनी भी ड्राइंग्स थी साउथ इंडिया के टेम्पल्स जो है उनकी वो सब पब्लिश की जाती थी हर हफ्ते आनंद विकातन में ठीक है और उसमें जो टाइटल होता था इनकी पेंटिंग्स का वो होता था थिनंतु इसका मतलब होता है ट्रेजर्स ऑफ साउथ इंडिया कि जो साउथ इंडिया है उसके जो खजाना है जो ट्रेजर है वो है ये पेंटिंग्स तो इस तरीके से इनका जो काम है वो बहुत ज्यादा वेल नोन था नेक्स्ट बात करते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी

भी है है कि ये जो पर्सन शुरुआत से इनको आई इश्यूज रहे हैं इनकी एक आंख में वो सीवियर मायोपिया एंड द अदर आई उससे उनको दिखाई नहीं देता था धीरे धीरे ही अंडरवेंट सर्जरी और उसके बाद ही लॉस्ट हिज बिल्कुल नहीं दिखता था इनको फिर भी ये जाने जाते हैं अपनी पेंटिंग्स के लिए बिकॉज ये अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा फोकस थे पैशनेट थे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनको कभी रोक नहीं पाई एंड दैट इज हाउ ही इज वेरी वेरी वेल नोन

थिंक इसमें दिया हुआ है येस yes. सो so, हम ऑलरेडी ये वर्ड देख चुके हैं अगर आपको इसका भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन चाहिए सो इट्स जस्ट लाइक अ पेंटिंग मेड ऑन अ वॉल ठीक है तो बहुत उभर के जो पेंटिंग बनाई जाती है ना वॉल्स पे उन्हें कहते हैं म्यूराज जिनके लिए बहुत ज्यादा जाना जाते थे नेक्स्ट ये एक स्टूडेंट रहे हैं नंदलाल बोल्स के साथ ही साथ एक बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएट रहे हैं किसके राम किंकर बेच के इन नाइनटीन अ कलेक्शन ऑफ इस बंगाली राइटिंग चित्रकार वॉज पब्लिश वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बताइए भाई

फिल्म मेकिंग के लिए एंड ही वॉज द स्टूडेंट लाइक ही वॉज द फॉर्मर स्टूडेंट एट शांति निकेतन कौन सत्यजीत रे मेड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन हिम टाइटल द इनर आई ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनर आई जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है किसने बनाई है सत्यजीत रे ने किसके ऊपर थी लाइक like, किसको ट्रिब्यूट थी किसके बारे में ये मूवी बनाई गई थी नन अदर देन बिनोद बिहारी मुखर्जी और कब इन 1972 एंड सत्यजीत रे

अबिंद्रनाथ टैगोर ब्रदर ऑफ ब्रदर नहीं ब्रदर ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर सो so, ये अबिंद्रनाथ टैगोर जी के भाई रहे हैं अबिंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी हम पढ़ेंगे डोंट वरी बिकॉज उनका नाम हर जगह आ रहा है सो so, कौन थे भाई गगेंद्र नाथ टेगोर सो so, जो हम थोड़ी देर पहले नहीं पढ़ रहे थे कि फेमस और रिच जैसे हमने पढ़ा महात्मा गांधी टाटा उसी में हमने टेगोर पढ़ा था तो ये सब लोग हैं वो ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर तो आप जानते ही है साथ ही साथ अबिंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी आज जान लेंगे एंड द नेक्स्ट वन इज गगेंद्रनाथ टैगोर जो कि इनके भाई हैं He was a nephew of poet Rabindranath Tagore. मतलब obviously Rabindranath Tagore जो है ना वो भी Rabindranath Tagore के nephew रहे हैं. क्लियर तो ये भी obviously nephew ही हैं. And the paternal great grandfather of actress Sharmila Tagore. I hope आपको Sharmila Tagore जी के बारे में पता हो. ठीक है, she is a well-known actress. और इनके great grandfather रहे हैं कौन? Gagendranath Tagore. In 1907, along with his brother Abindranath, he founded the Indian Society of Oriental Art. हु आर द फाउंडर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएटल आर्ट रबीन्द्र नाथ टेगौर एंड सॉरी अबिंद्रनाथ टेगौर एंड गगेंद्र नाथ टेगोर क्लियर सो इस तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर फाउंडर्स वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कौन है वो गगेंद्र नाथ टेगौर जो कि भाई है अबिंद्र नाथ टेगौर के और इन दोनों ने मिलकर क्या फाइंड किया था यहाँ देवर द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएटल आर्ट नेक्स्ट बात करते हैं सुनील दास की ही इज़ द वन जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे सो so, सुनील दास वाज एन इंडियन एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर देर आर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स तो वो टाइटल दे दिए जाते हैं कि भाई इसलिए जाना जाता है ये पेंटिंग का स्टाइल है सो so, एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर जो है किसको कहा जाता है सुनील दास को ही इज नोन फॉर सीरीज आई थी ठीक है और उसमें एक इनका आर्ट फॉर्म था था जिसका नाम जिसके लिए बहुत बहुत जाने जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता इन दर 1955 में 1955 में ही बिकेम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि कहां पर है कोलकाता में क्लियर ओके okay. He won a French government scholarship to study at the École des Beaux Arts in पेरिस तो इनको ना एक फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली थी बहुत बड़ी बात है ठीक है तो इनको स्कॉलरशिप मिली थी पढ़ा था फिर पेरिस में एक होल आर्ट्स है है ठीक और वहां पर इन्होंने अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो की है एंड ही नॉट पेइंग द फीस मतलब ये बहुत अच्छी बात है अ स्कॉलर scholar. इनको स्कॉलरशिप मिली थी क्लियर द दीसेस ऑफ सुनील दास यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीज ब्राउन्स एंड ब्लैक्स और इनके जो ड्रॉइंग्स होते हैं वो ज्यादातर इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन जो है कलर यूज करते हैं वो बीज ब्राउन और ब्लैक होता है ठीक है तो इन्हीं के बीच के कलर्स या इनका कॉम्बिनेशन जो है यू कैन फाइंड इन एस मास्टर पीसेस क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं अनिश कपूर सर अनिश कपूर एक ब्रिटिश इंडियन स्कल्प्टर हैं, स्पेशलाइजिंग इन इंस्टॉलेशन आर्ट एंड कॉन्सेप्चुअल Art. तो इनके बारे में जो फेमस चीज है वो ये है कि ये एक ब्रिटिश इंडियंस स्कल्प्टर रहे हैं जो कि इंस्टॉलेशन आर्ट और कॉन्सेप्चुअल आर्ट जो होता है कैटेगरी उसमें फेमस है इन 90s ही स्टार्टेड यूजिंग द रेड वैक्स इनका ना Uh, बहुत इन्होंने स्टार्ट किया डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करना मतलब पहले तो सिर्फ वैसे छोटे मोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो भी पार्ट रहे हैं इनके आर्ट फॉर्म के साथ ही साथ इन्होंने रेड वैक्स को स्टार्ट कर दिया था यूज करना जिससे ना ऐसे बिल्कुल ब्लड और इन सब का पूरा एक अच्छा सा थी इफेक्ट आता था सो so, नाइनटीज में उन्होंने रेड वैक्स को स्टार्ट किया यूज करना सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इज वर्क इवोकिंग ब्लड ह्यूमन फ्लैश एंड ट्रांसफिग्रेशन तो एक ब्लड और एक यू नो फ्लैश जो होता है ह्यूमन फ्लैश उसका पूरा एक इफेक्ट दिखता था इनकी इनके आर्ट्स में और वो क्यों क्योंकि इन्होंने रेड वैक्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था क्लियर और इनके बहुत से ऐसे आर्टवर्क हैं जो आज भी बहुत जगहों पे फेमस हैं लाइक आउट ऑफ इंडिया इनके कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं जिनको रखा गया है एज अ डिस्प्ले एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अकेडमी या म्यूजियम और पीपल कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो इन टूडेज टाइम क्लियर सो इन टू थाउजेंड थ्री वॉज नेम्ब कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस आर्टिस्ट को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का टाइटल दिया गया था नन अदन अनिश कपूर किस ईयर में 2003 2003 में

ठीक है जिसमें ना जितने भी विजिटर्स हैं वो एक डीप प्रेसराइज स्पेस में आते हैं इस तरीके का होता है दैट इट okay. 2012 he was awarded the Padma Bhushan by the इंडियन गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन obviously इनका जब आर्ट फॉर्म इतने फेमस है सो ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विथ सिविलियन award और वो कौन सा है Padma Bhushan क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं अब्दुल कदर Khatri दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी 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 फेमस ठीक है सो यू मै स्नो बारे एंड इनसे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ लेते हैं एंड मेन थिंग ये है कि बहुत फेमस क्राफ्ट मैन रहे हैं सो अब्दुल कदर खतरी वॉज एन इंडियन मास्टर क्राफ्ट मैन इन द सेक्टर ऑफ ट्रेडिशनल हैंडलॉक प्रिंटिंग नोन एज बाग प्रिंट ठीक है तो ये अपने ना हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाते हैं देख सकते हो अभी भी कर रहे हैं वो है ना इस पिक्चर में तो इसके लिए ये जाना जाते हैं इस पेंटिंग को बाग पेंटिंग कहा जाता है सो so बाग पेंटिंग के लिए कौन से आर्टिस्ट हैं जो फेमस हैं इंडिया में नानदन ना अब्दुल कदर खत्री ही वॉज द फाउंडर ऑफ बाग प्रिंट इस्माइल सुलेमानजी खतरी तो ये फाउंडर नहीं है बाग प्रिंटिंग के ठीक हैिंट जिसने स्टार्ट किया था लाइक द वन हु फाउंडेडेड वो थे इस्माइल सुलेमान जी खतरी जो कि इनके पापा थे ठीक है सो अब्दुल कदर खत्री जो है ही वॉज सन ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन हु वॉज द फाउंडर ऑफ बाग पेंटिंग क्लियर ओके बाग प्रिंट सॉरी

Uh, काम को हिज कोर्क वॉज अप्रिशिएवी चट्टोपाध्याय मार्थिड सिंह लैला त्यागजी एंड रता चिष्टी ऑल ऑफ दीज आर वेल नोन पीपल इनके बारे में इन डिटेल नहीं जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली फिर वो अलग टॉपिक पे चला जाएगा ठीक है सो so ये सारे जितने भी लोग हैं एवरीबडी द वर्क ऑफ अब्दुल कतर खतरी बिकॉज ही वॉज ग्रेट इन वॉट एवर द बाग प्रिंट उन्होंने इनको अवॉर्ड किया था या इनको ऑनर किया था clear? So, दिया है अब्दुल कदर खतरी को प्रतिभा पाटिल जी ने क्लियर तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पता होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं आदित्य पांडे आदित्य पांडे वॉज ट्रेन एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन अहमदाबाद सो हीज ददित्य पांडे ठीक है इनने जो पूरा ट्रेनिंग लिया है या जो भी इन्होंने आर्ट फॉर्म में सीखा है वो सब इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में सिखाया गया है हिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ लेयरिंग ऑफ सर्विसेज सर्विस अलोंग विद मिक्स्ड डाइवर्स मीडिया रेंजिंग फ्रॉम वेक्टर ड्राइंग डिजिटल फोटोग्राफी इंक एक्राइलिक पेंट टू टिंसिल तो इनका जो काम है वो ऐसा है कि इनकी एक टेक्निक है जिसमें वो बहुत सारे लेयर्स यूज़ करते हैं ठीक है जिसमें बहुत सारी मिक्सचर्स होते हैं जैसे वेक्टर ड्राइंग हो जाती है डिजिटल फोटोग्राफी हो जाती है इंक एक्रैलिक पेंटिंग है तो ये हर चीज़ को एक तरीके से एक यू नो जो लेयरिंग वाला टेक्निक है वो यूज़ ये करते हैं He held his first solo show A to Zoo at Chatterjee and Lal, Mumbai, ओके सो दिस इज समथिंग जो आपसे पूछा जा सकता है कि वाज़ द वन जिसने अपना सोलो शो ए टू जू स्टार्ट किया था कौन है वो आदित्य पांडे कहाँ किया था चटर्जी एंड लाल मुंबई ठीक है किस ईयर में सो दैट इज समथिंग जो आपसे पूछा जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है बट डोंट वरी अबाउट इट यू जस्ट रिमेंबर दिस पता है क्यों क्योंकि इनके ना बहुत सारे शोज रहे हैं सोलो वाले ग्रुप वाले सो प्लीज बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन वॉट की ए टू जू वॉज सोलो शो ऑफ आदित्य पांडे कहाँ पर चैटर्जी नाल मुंबई दैट से इससे ज्यादा मत पूछ सोचो क्लियर हिज वर्क हैज बीन फीचर्ड इन सेवर सोलो एंड ग्रुप एग्जीबिशन इन और उनके फिर बहुत सारे सोलो एग्जीबिशन बहुत सारे ग्रुप एग्जीबिशंस रहे हैं दिस वॉज जस्ट द स्टार्टिंग नेक्स्ट बात करते हैं अमन सिंह गुल्लाटी सो so दिस पर्सन ये इनका बहुत ही फेमस रहे हैं और इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ठीक है और ये देखिए इतने छोटे छोटे लाइक दिस इज द पीस और उसमें भी इतना छोटा यहाँ पे एक कुछ आर्ट फॉर्म बनाया उन्होंने तो इसके लिए ही वो बहुत फेमस है बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी ना बहुत प्यारे प्यारे आर्ट वर्क कर लेते हैं सो so अमन सिंह गुलाटी एक इंडियन विजुअल

इन द ईयर ईयर 2019 भी दे तो ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट वन जिसने जितने भी पुलवामा अटैक के जो जितने भी सोल्जर्स थे हु देयर लाइफ उनके ऊपर जितनी भी पेंटिंग है दैट दैट दिस दिस पर्सन पर्सन ड्रॉ लाइक लाइक द पोर्ट्रेट्स ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा अमन सिंह गुलाटी सो दिस पर्सन विदाउट स्लीपिंग मतलब 72 टू आर्स तक लगातार ये इन सारे जितने भी ब्रेस सोल्जर्स हैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाते रहे ही डिड नॉट स्लीप इवन फॉर वंस ताकि वो ट्रिब्यूट पे कर सके Aman has worked on multiple form of artworks, including largest drawing of Mahatma Gandhi, biggest puzzle portrait of Guru Gobind Singh Ji, largest Rakhi tributed to Indian. आर्मी तो इनके ना बहुत सारे काम हैं जो जाने जाते हैं अभी आगे और लिस्ट है ठीक है सबसे पहली बात तो इन्होंने महात्मा गांधी जी की अभी तक की सबसे बड़ी पेंटिंग जो है वो बनाई हुई है सेकेंड चीज इन्होंने पजल पोर्ट्रेट बनाया ऐसे नहीं होते छोटे छोटे पीसेस जिनको फिर आप जोड़ दो तो एक पूरा पेंटिंग बन जाता उसको है उसको कहते हैं पजल पोर्ट्रेट किसका बनाया हुआ है गुरु गोविंद जी का ठीक है गुरु गोविंद सिंह जी का और उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी राखी भी बनाई है जो कि एक ट्रिब्यूट था किसके लिए इंडियन आर्मी के लिए ऑल्सो ही हैज मेड आलमंड आर्ट सीरीज सोल ऑफ सिख वॉल्यूम वन तो इनकी एक आलमंड आर्ट सीरीज है जो की वॉल्यूम वन है ठीक है उस वॉल्यूम वन में ही दिस टू फर्स्ट सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी तो गुरु नानक देव जी जो है वो पहले सिख गुरु हैं राइट तो उनको डेडिकेट किया था उन्होंने इसमें और आलमंड आर्ट सीरीज बनाई थी बादाम पे सीरीज बनाई हुई जो की है वॉल्यूम वन लेटर ऑन ही लॉन्च वॉल्यूम नाइन उसके बाद उन्होंने वॉल्यूम नाइन भी लॉन्च की जो कि डेडिकेटेड थी तो नाइन्थ सिख गुरु श्री गुरु तेज बहादुर जी ठीक है तो पहले सिख गुरु के ऊपर वॉल्यूम वन डेडिकेटेड ऑब्वियसली एंड जो नाइन्थ तो गुरु हैं जो कि गुरु तेज बहादुर सिंह जी हैं उनके ऊपर भी इन्होंने वॉल्यूम नाइन जो है वो डेडिकेट की हुई है ठीक है तो दिस पर्सन इज वेरी वेल नोन अभी भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात बची है So in 2019 Aman was invited by Kasturba Gandhi Kendra Trust for 150th 150th so birth anniversary of Mahatma Gandhi followed by a world's largest drawing of Mahatma Gandhi which was made by him for which he holds a Guinness World Record

कुमार दत्ता अनिल कुमार दत्ता वॉज एन इंडियन आर्टिस्ट एंड

फाउंडर और प्रिंसिपल रहे हैं कौन अनिल कुमार दत्ता क्लियर ओके अनिल ग्रेजुएटेड फर्स्ट क्लास फर्स्ट मेरिंग द गोल्ड मेडल इन 1955 इन कलकत्ता आर्ट कॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट हैज सिक्योर्ड द वेरी फर्स्ट लाइक द फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल और वो कौन है अनिल कुमार दत्ता किस स्कूल में कैलकाटा आर्ट कॉलेज में इन द ईयर नाइनटीन

रीज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मतलब इनके रिलेटेड ना ऐसे फैक्ट्स ही आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये सारे क्वेश्चन हैं ठीक है तो पूछा जा सकता है विच आर द फॉलोइंग स्टार्टेड प्रोजेक्ट स्वाल बेल तो वो कौन है अनिल कुमार दत्ता जिसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि ये हंड्रेड पोर्ट्रेट बनाएंगे किसके उनके जितने हैं उनके लाइक लो कंटेम्प्रेज के पोर्ट्रेट्स बनाने वाले 1986, और छोटे छोटे अवार्ड भी स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया शिल्पो ओ साहित्य अवार्ड क्लियर तो किसने स्टार्ट किया वो भी अनिल कुमार दत्ता नेक्स्ट बात करते हैं अब्दुल एंजली एला

वॉल पेंटिंग होती है उन सब के लिए उसमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ बोलना चाहिए जो कॉमन है या जिसके लिए जानी जाती है वो है इनका एक रिलीजियस थीम वर्क होता है तो इनका जो पेंटिंग होता है उसका थीम किसके अराउंड रिवॉल्व करता है रिलीजियस थिंग्स के अराउंड क्लियर ओके इन 2006 हर ट्रिप्टिक ट्रिप्टिक का मतलब होता है तीन पैनल में बनाया गया वर्क यात्रा वाज एक्वायर्ड बाय द एशियन आर्ट म्यूजियम ऑफ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसका काम जो है इट वाज एक्वायर्ड बाय द एशियन आर्ट म्यूजियम ऑफ सैन फ्रांसिस्को इन 2006 आंसर इज अब्दुल एंजली एलामेन और इनका जो काम था वो क्या था लाइक व्हाट वाज दैट आर्ट वर्क इट वॉज यात्रा शी इज अ वेल नोन म्यूरिस्ट बहुत ज्यादा जानी मानी वॉल पेंटर है बात कर चुके हैं शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन द ईयर टू थाउजेंड और दो हजार लाइक टू थाउजेंड जो ईयर है उसमें इनको पद्मश्री से भी ऑनर किया गया है सो डेफिनेटली शी इज सम्मान जिनके बारे में आपको ये सारे वर्ड मतलब जो ये फैक्टर्स है पता होना चाहिए स्पेसिफिकली यात्रा वाला क्लियर ओके okay. नेक्स्ट इज शी गॉट फेलिसिटेशन फ्रॉम द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन 2010 उसके अलावा इनको जो लिम्का बुक रिकॉर्ड्स है एवरीबडी माइट बी नोइंग अबाउट इट है ना मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का बुक रिकॉर्ड्स आई होप ये पहले ही पता हो ठीक है सो दिस लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स गॉट लाइक फेलिसिटेटेड अब्दुल अब्दुलिस सम्मान फॉर विजुअल आर्ट्स फ्रॉम द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो इनको कालीदास सम्मान मिल चुका है विजुअल आर्ट्स के लिए किस ईयर में इन द ईयर ट्वेंटी लॉर्ड ऑफ रिकन्स अब जाते हैं फाइनली उस पर्सन पे जिनकी हम इतनी देर से हम जिनका नाम सुन रहे हैं दैर इज अबिंद्रनाथ टेगोर तो हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं है ना मतलब इनके ब्रदर के बारे में भी हम पढ़ रहे थे देन वी ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द फैक्ट अबाउट रबींद्रनाथ टेगोर शर्मिला टेगोर मतलब ये सब फैमिली मेम्बर्स हैं ना? So, Tagore, है ना सो अबिंद्र नाथ टेगोर जो हैं ही वॉज द प्रिंसिपल आर्टिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है एक उसके प्रिंसिपल आर्टिस्ट और उसके क्रिएटर कौन रह चुके हैं अबिंद्राथ टेगोर ही वॉज द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर और ये नेफ्यू रह चुके हैं किसके रविंद्रनाथ टैगोर के एंड इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है लाइक like, अबिंद्र नाथ है भी कि नहीं नाम डेफिनेटली ही इज़ अ पर्सन एग्जिस्टिंग ठीक है जो कि नेफ्यू रहे हैं रविंद्रनाथ टेगोर के और आर्टिस्ट या आर्ट फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम है इनका क्लियर ओके okay. अबिंद्र नाथ फर्स्ट क्रिएटेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएटल आर्ट एंड लेटर वेंट ऑन टू स्टैब्लिश बेंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वी हैव हर्ड अबाउट बेंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बहुत सारे अभी आर्टिस्ट की जब हम बायोग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएटल आर्ट को फाइन किया एंड देन लेटर उन्होंने किसको स्टैब्लिश किया बेंगोल स्कूल ऑफ आर्ट्स को क्लियर ओके okay. Abindranath had immense faith on the traditional Indian techniques that were used in the early Mughal and Rajput पेंटिंग्स सो so, रब अबिंद्र नाथ टैगोर को हमेशा से ही जो ट्रेडिशनल साइड होता है ना इंडियन पेंटिंग का या टेक्निक्स का जो कि मुगल राजपूत पेंटिंग्स रही हैं हमेशा से वो बहुत अच्छा लगता था एंड ही ऑलवेज लाइक हैड इमेंस फेथ ऑन दिस तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि अपनी पेंटिंग्स या अपने आर्ट वर्कस में वो इसको अच्छे से डिस्प्ले कर पाएँ क्लियर ओके okay.

अविंद्रनाथ बिकेम चांसलर ऑफ विश्व भारती नाइनटीन फोर्टी टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो की अम्म एज लाइक जी के फॉर्म ऑफ क्वेश्चन भी है कि कौन है जो विश्व भारती का क्या बना है

एन इंडियन आर्टिस्ट हु प्राइमरीली वर्कड इन ऑयल तो इन ऑयल का मतलब है जो ऑयल पेंटिंग होती हैं उन कलर्स को या उस टेक्निक को शी यूज़ टू वर्क इन ठीक है और इनकी ज़्यादातर पेंटिंग्स आपको ऑयल पेंटिंग्स ही दिखेंगी शी वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ अमृता शेरगिल जस्ट हमने जब बिगिन किया था ये टॉपिक हमने सबसे पहले बात अमृता शेरगिल की ही की थी और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी बी प्रभा एंड शी मे बी दैट्स वाई शी वॉज़ लाइक कि वो उतना ही अच्छा काम करना चाहती थी लाइक बिकॉज़ शी शी इंस्पायर्ड एंड दैट इज़ इज़ हाउ अगेन वेल नोन आर्टिस्ट शी वॉज मूव्ड बाय द प्लाइट अब यहाँ पर हम इससे पहले पढ़े एक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी प्रभाजी हैं इनकी ज्यादातर पेंटिंग्स ना जो रूरल वीमेन होती है जो गाँव वाली जो महिलाएं होती हैं उनकी जो बुरी स्थिति थी उस वक्त जो भी उनकी ब, बहुत ही बैड सिचुएशन रही हो उससे वो बहुत ज्यादा डीपली यू नो शी वॉज टचड बाय दैट एंड दैट्स वाई उनकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं ज़्यादातर उसी थीम पे बेस्ड होती हैं रूरल वुमेन की लाइफ पे क्लियर सो शी वॉज मूव्ड बाय द प्लाइट प्लाइट का मतलब होता है वेरी यू नो अजीब सी सिचुएशन बहुत बुरी सिचुएशन उसे प्लाइट कहते हैं बहुत दुखदाई सिचुएशन बाय द प्लाइट ऑफ रूरल वुमेन एंड ओवर टाइम द बिकेम द मेन थीम ऑफ अ

Her first exhibition while she was still a student set her on the path to success when three of her paintings were acquired by eminent Indian scientist Homi J. Baba. So, Homi J. Baba, ka naam, I hope Sabina nah ho, bahut फेमस साइंटिस्ट रहे हैं वो और इनका ना जो पहला एग्जिबिशन था लाइफ का वो उस वक्त था जब ये सिर्फ स्टूडेंट ही थी अभी तक शी वॉज नॉट लाइक कि उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कर ली है एंड स्टाफ नहीं अभी भी शी वॉज अ स्टूडेंट एंड देन उनका पहला एग्जीबिशन था जहाँ उनकी तीन पेंटिंग्स जो हैं वर एक्वायर्ड बाय होमी होमी जय बाबा दैट इज दी ग्रेट साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट और इस तरीके से ये जो है फेमस हो गई एंड फ्रॉम देन ऑन शी वॉज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस क्लियर ओके हेंटिंग्स और डिस्प्लेड एट द एयर इंडिया बुकिंग ऑफिस इन लंडन फिर इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो ऐसे पैम्फलेट्स के फॉर्म पे या कार्ड के वेन्यू कार्ड के फॉर्म पे भी यू नो डिस्प्ले होने लगी थी साथ ही साथ इनकी पेंटिंग्स को एयर इंडिया बुकिंग ऑफिस जो है जो लंदन में है उस पर भी डिस्प्ले किया गया था शी हेल्ड हर फर्स्ट एग्जीबिशन अलॉन्ग विद अ हसबैंड बी विथ हिल इन द ईयर नाइनटीन और इनके जो हस्बैंड हैं वो भी एक स्कल्पचरिस्ट रहे हैं ठीक है और उनके साथ पहला एग्जीबिशन जो इनका था वो था इन द ईयर नाइनटीन ओवर द ईयर शी हेल्ड मोर देन इन इंडिया एंड अब्रॉड लाइक बिफोर डाइंग शी इज नो मोर देर इन दिस वर्ल्ड उसके पहले ओवरऑल लाइक like, 50 या कुछ एग्जीबिशन उन्होंने कंडक्ट किए हुए हैं वो इंडिया में हो या फिर वो आउट ऑफ इंडिया हो सो शी हैज बीन लाइक द वन जिसने 50 50 ओवर है कम नहीं होते हैं ते को किया है एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ बी विथिल इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं बद्री नारायण द आर्टिस्ट सो बद्री नारायण वॉज एन आर्टिस्ट इलस्ट्रेटर ऑथर एंड स्टोरी टेलर सो बी नारायणा जो है बद्री नारायणा ही वॉज दी आर्टिस्ट ठीक है वो डेफिनेटली एक आर्टिस्ट थे तभी हम पढ़ रहे हैं ही वॉज ऑल्सो एन इलस्ट्रेटर ये एक ऑथर और स्टोरी टेलर भी थे साथ ही साथ तो इट इज नॉट लाइक ही वॉज ओनली एन आर्टिस्ट अदर थिंग टू डू ही टेलर He had over 50 solo shows and his work is in several collections. Around 50 के करीब इनके solo shows रहे हैं और इनका काम जो है वो बहुत सारे collections के form में देखा गया है जैसे कि including the National Gallery of Modern Art and National Museum in New Delhi, as well as the Philadelphia Museum of Art South Asia collection. तो इनके जो collections हैं वो क्या कौन कौन से हैं जैसे National National Gallery of Modern Art बोल लीजिए National Museum in New Delhi बोल लीजिए या फिर आप बोल सकते हैं Philadelphia म्यूजियम ऑफ आर्ट साउथ एशियन कलेक्शन ये तीनों ही कलेक्शन जो कि बहुत बड़ी बात है सब में इनका काम जो है इट हैजीन इंक्लूडेड क्लियर ओके ही वर्कड प्राइमरीली इन इंक और पेस्टल एंड वॉटर कलर तो इनका ज्यादातर काम जो है वो वॉटर कलर और इंक या फिर पेस्टल कलर से ही होता था so, सारे ही आर्टिस्ट का अपना एक जॉन रे होता है अपना एक स्पेशलिटी होता है लाइक क्या कलर वो यूज करना चाहते हैं इज इट लाइक कुछ ही कलर यूज करना है ब्लैक एंड वाइट ही करना है या फिर यू नो इंक्स यूज करनी है देन वी सॉ यू नो कुछ ऐसे डार्क uh, या बहुत ज्यादा बोल्ड स्ट्रोक्स वाला पेंटिंग सो so, हर किसी का एक अपना अपना जॉन रे है

फोटोग्राफर एंड एन अकेडमिक रिसर्चर तो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है बहुत सारी वेरियस फील्ड हैं जिसमें ये पाइनियर रहे हैं एंड अगर हम बात करें पेंटिंग के बारे में सो ही हैज बीन एन इंडियन पेंटर एंड स्क्लच्चर एज वेल एज अ स्लप्चर ही वर्कड विथ क्ले फाइबर ग्लास री इनफोर्स्ड कॉन्क्रीट वुड ब्रॉन्स माइल्ड स्टील एंड फ्रॉम 2000 थाउजेंड स्टेनलेस स्टील तो इन्होंने बहुत कुछ यूज किया है एज अ स्कल्पचर जब भी स्कल्पचर्स वगैरह बनाते हैं तो अ ऑफ थिंग्स वो भले ही क्ले हो वो भले ही फाइबर ग्लास हो जो कि कॉन्क्रीट के साथ मिक्स हो वो भले ही लकड़ी हो वुड हो ब्रॉन्स हो देन यू हैव स्टील एंड स्टेनलेस स्टील तो हर चीज को उन्होंने यूज किया हुआ है जब भी स्कल्पचर्स बनाने की बारी आती है क्लियर ओके ही लर्न द टेक्निक फ्रॉम पावलो डी पॉली ऑफ पडुआ इटली तो इटली के एक पर्सन है पाओलो डी पॉली उनसे इन्होंने इनामल पेंटिंग्स का जो टेक्निक है वो सीखा था एंड देन उन्होंने वो भी स्टार्ट कर दिया करना दैट वाज इनामल पेंटिंग ही रिसीव्ड इंडिया नेशनल अवार्ड इन 1981 एंड कर्नाटका स्टेट अवार्ड इन 1980 ऑफ ललित कला अकेडमी फॉर हिज स्क्रप्चर्स तो अपने स्क्रप्चर्स के लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है ठीक है कौन से ईयर में 1981 में साथ ही साथ इनको ललित कला अकेडमी का किसके लिए इनके स्कल्पचर्स के लिए, लिए कर्नाटका स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है किस ईयर में 1980 एटी so, सो अवार्ड्स के बारे में मैं कहूंगी अगर सिविलियन अवार्ड आ रहा है कोई डेफिनेटली वो आपको याद रखना ही रखना है साथ ही साथ कोई नेशनल अवार्ड आता है डू रिमेंबर इट अदरवाइज ये जो uh, ऐसे स्टेट अवार्ड है या अकेडमी अवार्ड है अगर याद नहीं रहते हैं कोई दिक्कत नहीं स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा जो क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन एफ होते हैं वो आपको सिविलियन अवार्ड या फिर इनका कोई अलग नाम हो जिनको इंडिया में बोला जाता है या फिर यू you नो know, अगर कुछ ऐसा बहुत बड़ा लिंक है जैसे टैगोर की बात करें अविंद्रनाथ टैगोर की तो फिर वो अकेडमी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं क्लियर ओके चलिए

जो अवार्ड ऑब्वियसली मतलब जो एक साल पहले वाली बात होती है ना दैट ही वाज अवार्डेड क्लियर ओके नेक्स्ट बात करते हैं एम एफ हुसैन आई डोंट थिंक पेंटिंग की फील्ड में कोई होगा जिसको एम एफ हुसैन का नाम नहीं पता राइट सो एम एफ का फुल फॉर्म क्या है मकबूल फिदा एंड हुसैन और इनको हुसैन भी बोलते हैं ठीक है एंड ही इज द वन बहुत 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 फेमस है ये आर्ट की फील्ड में एंड ही वॉज एन इंडियन आर्टिस्ट नोन फॉर एग्जीक्यूटिंग बोल्ड वाइब्रेंटली कलर्ड नेरेटिव

हुसैन कौन है ये मकबूल फिदा हुसैन क्लियर ओके

His themes were usually treated in series, included topics as diverse as M.K. Gandhi, that is. महात्मा गांधी मदर टेरेसा द रामायण द महाभारत द ब्रिटिश राज एंड एंड मोटिव्स ऑफ इंडियन अर्बन रूरल लाइफ तो इनकी जो हमेशा से पेंटिंग्स रही है उसका एक कोई ना कोई ऑब्वियसली हर एक आर्टिस्ट का एक थीम होता है तो इनके जो थीम्स है ना वो ज्यादातर ऐसे सीरीज वगैरह पे बेस्ड रहे हैं जैसे कि अगर हम बात करें महात्मा गांधी हो गए मदर टेरेसा हो गई रामायण हो गया महाभारत हो गया तो इन सब पे बेस्ड इनकी जो है पेंटिंग्स हुआ करती थी क्लियर ओके okay. नेक्स्ट बात करते हैं सुदर्शन पटनायक की जो कि बहुत फेमस एक सैंड आर्टिस्ट रहे हैं आई होप आपने एटलीस्ट इनका पिक्चर नहीं तो ये सैंड आर्ट तो जरूर देखा ही होगा साथ ही साथ इनके बहुत सारे ऐसे सैंड आर्ट पीसेज हैं जो बहुत 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 फेमस हैं ठीक so, है सो ही इज द वन जो कि एक सैंड आर्टिस्ट है नंबर वन नंबर टू ही इज फ्रॉम पूरी उड़ीसा ठीक है तो उड़ीसा से हैं ये नेक्स्ट इन 2014 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्मश्री और 2014 में जो ज्यादा दूर की बात नहीं है रिसेंट ही है ठीक है इनको जो है पद्मश्री मिला हुआ है सो ही हैज बीन ऑनर्ड विद वन ऑफ द सिविलियन अवार्ड इसलिए हमको पता होना चाहिए साथ ही साथ एज अ सैंड आर्टिस्ट की लिस्ट में ही इज वेरी वेरी फेमस सो ये जो नाम है आपको डेफिनेटली याद रखना है

वो उस वक्त वो रिकॉर्ड किसी और के नाम था उसको ब्रेक किया इन्होंने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड उनसे भी बड़ा कासिल बना के एंड देन लेटर ऑन इससे भी बड़ा कासिल बनाकर नेक्स्ट फिर ये रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया गया था तो अभी एट प्रेजेंट ऑब्वियसली रिकॉर्ड जो है वो इनके नाम पे नहीं है बट येस ही डिड ब्रेक इट वंस अपॉन अ टाइम और किससे लाइक वॉट डिड ही मेक ही मेड सैंड कासर कहाँ पर पूरी उड़ीसा में क्लियर ओके okay. इन टू थाउजेंड एट हि वन दर्ल्ड चैंपियन टाइटल एट यूस एफ वर्ल्ड सैंड चौ चैपियनशिप बर्लिन तो एक वर्ल्ड सैंड च एक चैंपियनशिप होती है बॉलिन में उसमें भी इनको जो है वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल मिला था किस ईयर में 2008 में अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज द फाइव टाइम्स विनर ऑफ पीपल्स चॉइस अवार्ड एट जर्मनी और जर्मनी में पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है उसके पांच बार विनर रह चुके हैं कौन सुदर्शन पटनायक अ वेरी फेमस सैंड आर्टिस्ट क्लियर ओके So with this, we have finally come to an end of the discussion of various artists of India. I know there are all are naam hai like there are so many names that you will get in the form of questions. Again, I always say that we can't like. यू नो सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कंप्लीट या इंक्लूड ऑल द थिंग्स इन जस्ट वन वीडियो इट इज गोइंग टू मेक इट सो सो डेफिनेटली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएंगे बाकी के आर्टिस्ट बट फॉर नाउ आई होप इतने फैक्ट्स क्लियर हैं आपको इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो क्लियर सो वी हैव एंडेड द टॉपिक बट नॉट द वीडियो येट बिकॉज एक और चीज है जिसे हमें डिस्कस करना है और वो ये है कि आपको यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट कवर करना होता है वॉट यू डू इज यू गो टू यू यू टाइप मैग्नेट ब्रेन द टॉपिक द सब्जेक्ट यू गेट द वीडियो बट कभी कभी हो सकता है शायद

आपको सिर्फ क्लिक करना है द वीडियो वो है यू शुड विजिट द वेबसाइट ऑफ आर चैनल करना क्या है आपको जाना है गूगल पे टाइप करना है देख सकते हैं पे है जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखें सारी क्लासेज एक प्रॉपर ऑर्डर में है दैट इज फ्रॉम किंडर गार्डन टिल क्लास ट्वेल्थ साथ ही साथ आपको और भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल होती है लाइक एनसीआर टी एक्सपल एक्टिविटीट्रा एक्सेट्रा यू वैव टू डू इज आपको क्लिक करना है ऑन द क्लास या टॉपिक जो भी आप पढ़ना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो क्लास एट जनरल नॉलेज क्या करोगे क्लास एट पे क्लिक करोगे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा नाउ क्लिक ऑन द सब्जेक्ट अब आपके सामने जितने भी टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के वो सब डिस्प्ले होंगे क्लिक ऑन द टॉपिक विल गेट सो यू हैव क्लिक ऑन द सब्जेक्ट यू गॉट द टॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू क्या करोगे जस्ट क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू you will get the ओ वीडियो दिस इज हाउ इजी इट इज बस कुछ क्लिक्स करना है यू गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट मेक अ नोट ऑफ थिंग्स यू हैव यू आर डन विद दिस वीडियो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अगर इसके प्रीवियस वाले सेक्शन पढ़ने हैं यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रॉस आईकॉन एंड यू विल गेट ऑल द सेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू क्लिक ऑन द टॉपिक यू विल गेट द वीडियो अदरवाइज अगर आप क्लास या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो नो वरीज अगेन क्लिक ऑन द बैक बटन गेट यू नो फॉलो दी सेम स्टेप्स जो अभी भी डिस्कस किया है एंड यू विल अगेन गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू सो दिस इज हाउ इजी इट इज आई होप आप डेफिनेटली वेबसाइट को विजिट जरूर करेंगे

share and subscribe and yes we have come to an end of this particular video but in the next one we are going to meet very soon in the next topic till then take care of yourself thank you so much for watching bye